हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो आज की रीडिंग में गाइस, थर्ड पार्टी आपके पर्सन की कोई अदर रोमांटिक पार्टनर दिखाई दे रही है, या फिर उनके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं कि वो किसी और के साथ मैरिड हैं, या आप दोनों मैरिड हैं और आप दोनों के बीच कोई तीसरा आ गया है, ये भी हो सकता है। तो आज की रीडिंग में वही है गाइस कि आपके पर्सन के कोई रोमांटिक पार्टनर यहाँ थर्ड पार्टी हैं ऐसा दिखाई दे रहा है। आज फैमिली के लिए या करियर के लिए यहाँ पर रीडिंग निकल कर नहीं आई है। तो वो जो थर्ड पार्टी है गाइस, उससे आपके पर्सन दूरी बनाने के बारे में सोच रहे हैं, या अगर वो ऐसा खुद वो नहीं करेंगे तो ऐसा कुछ होने वाला है कि दोनों के बीच सेपरेशन आने वाला है, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी से दूरी बनाने के बारे में इसलिए सोच रहे हैं गाइस कि वो अब एक ही तरह की ज़िंदगी जीते जीते थक चुके हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी का नेचर चेंज नहीं हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थी और आज भी है, और आपके पर्सन इन सब से अब ऐसा लग रहा है कि ऊब चुके हैं, वो बोर हो चुके हैं और इन सब से अब वो निकलना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को वो पहले की तरह, जैसे अपनी लाइफ में वो खुश थे जब वो थर्ड पार्टी के साथ नहीं थे, तब उनकी ज़िंदगी में जो खुशी थी, उनकी ज़िंदगी में आज़ादी थी, अब वो वही चाहते हैं। इसकी वजह से आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी से अब दूरी बनाने के बारे में सोच रहे हैं। और दूसरी तरफ गाइस, आपके पर्सन आपके बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि पास्ट में जब वो आपके साथ थे तो आपने कभी उन्हें कंट्रोल नहीं किया, उनके हिसाब से आप उन्हें जीने दे रहे थे, कभी आपने उन पर कोई दबाव नहीं बनाया, आपने कभी उन्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश नहीं की। तो आपके पर्सन अब यही सब याद कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ आने के बाद उनकी ज़िंदगी कैसी है, और जब वो आपके साथ थे तब उनकी ज़िंदगी कैसी थी। वहाँ प्यार भी मिल रहा था, उन्हें केयर भी मिल रही थी, उन्हें सपोर्ट भी मिल रहा था, और अभी उनके साथ जो हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनके पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, ऊपर से उन पर दबाव बनाया जाता है कि वो थर्ड पार्टी अपने हिसाब से आपके पर्सन को चलाना चाहती है, और आपके पर्सन को यही बात पसंद नहीं आ रही है। और लंबे समय से ये चल रहा है गाइस, जब से वो थर्ड पार्टी में गए हैं तब से थर्ड पार्टी ऐसी ही है, उसने अपना नेचर चेंज किया ही नहीं है। आपके पर्सन पर वो शक भी करती है, इस वजह से आपके पर्सन की आज़ादी भी वहाँ पर छीन चुकी है। तो अब आपके पर्सन को यही सब याद आ रहा है कि आपके साथ उनकी ज़िंदगी कैसी थी और इस थर्ड पार्टी के साथ आने के बाद उनकी ज़िंदगी कैसी हो गई है। तो आपके पर्सन का ध्यान अब आपकी तरफ भी है, मुझे ये दिखाई दे रहा है गाइस। और आपके पर्सन को ये बात समझ में आ रही है गाइस कि अगर वो आपकी तरफ बढ़ते हैं तो उन्हें वही ज़िंदगी जीने का मौका मिलेगा जो वो पास्ट में जीते थे। जैसी खुशहाल उनकी ज़िंदगी थी वही ज़िंदगी अब वो जी पाएंगे आपके साथ। लेकिन अगर थर्ड पार्टी के साथ रहेंगे तो उनका ऐसा ही चलता रहेगा, वो तो सुधरने वाली है नहीं, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। इसकी वजह से वो चाहते हैं कि अब वो थर्ड पार्टी से निकलें और आपकी तरफ बढ़ें, क्योंकि एक ही तरह की लाइफ स्टाइल से अब आपके पर्सन मुझे बोर हो गए हैं ऐसा दिखाई दे रहा है। और वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर परेशान भी रहते हैं और किसी को कुछ बता भी नहीं सकते, और उस थर्ड पार्टी का नेचर ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन की फीलिंग को समझती नहीं है। और यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा है गाइस कि थर्ड पार्टी के ऊपर आपके पर्सन भी शक कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि थर्ड पार्टी कोई तो ऐसी बात है जिसे आपके पर्सन से छुपा रही है। इसकी वजह से आपके पर्सन थर्ड पार्टी के ऊपर नाराज़ भी हैं, और उन्हें यह भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी शायद उन्हें धोखा दे रही है। और कुछ टाइम के बाद गाइस ये यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि वो किसी भी तरह अब उस थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी आपके पर्सन का इंटरेस्ट थर्ड पार्टी से ख़त्म हो रहा है गाइस, उनकी अब इच्छा नहीं है कि वो उनके साथ रहें या लंबे समय तक उनका साथ वो दे पाएंगे, ऐसा अब आपके पर्सन को नहीं लग रहा है। और अभी तो यही दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि उनका रिश्ता टूटने की कगार पर है, ज़्यादा दिनों तक ये रिश्ता चलने वाला नहीं है, ऐसा अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपके पर्सन की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है कि अब वो उस थर्ड पार्टी के साथ रहें, क्योंकि थर्ड पार्टी की असलियत भी आपके पर्सन को समझ में आई है, और थर्ड पार्टी के साथ रहते रहते आपके पर्सन ऐसा लगता है कि अब बोर हो चुके हैं। और यहाँ पर थर्ड पार्टी ने गाइस आपके पर्सन को अपनी मीठी बातों में भी फंसाया था पास्ट में, और उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार वो दिखाती थी। और यहाँ पर बहुत से लोगों के पर्सन के साथ ये हुआ है कि ब्लैक मैजिक का भी सहारा लिया गया है थर्ड पार्टी की तरफ से,
जिसकी वजह से आपके पर्सन को उस थर्ड पार्टी की असलियत समझ में नहीं आती थी और उन्होंने उसी की तरफ बढ़ जाना सही समझा, क्योंकि उन्हें यही लगा था कि थर्ड पार्टी के साथ उन्हें अबंडेंस मिलेगी, वहाँ पर उन्हें कोई तकलीफ मिलने वाली नहीं है, वहाँ पर उन्हें खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेगी। यही सोचकर उन्होंने थर्ड पार्टी की तरफ अपना रुख किया था। लेकिन बाद में अब जब वो लंबे समय से उनके साथ रह रहे हैं, तब उन्हें समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी की असलियत क्या है। उन्होंने सिर्फ प्यार दिखाया, लेकिन दिल में उनके प्यार था नहीं। ऐसा अब आपके पर्सन को समझ में आया है और अब आपके पर्सन उस लाइफ स्टाइल से इतने बोर हो चुके हैं कि वो थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना ही ठीक समझ रहे हैं और आपकी तरफ वो बढ़ने के लिए दिखाई दे रहे हैं गाइस कि वो एक्शन आने वाले टाइम में लेंगे, क्योंकि आपके पर्सन आपको अब जस्टिस देना चाहते हैं। और इन सब में गाइस 3 से 4 महीने का टाइम लग सकता है। 3 से 4 महीने में आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें अभी थर्ड पार्टी से निकलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्योंकि अब आपके पर्सन ने मन बना लिया है कि उस थर्ड पार्टी से वो निकलेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे। तो इन सब में गाइस 3 से 4 महीने का समय लग सकता है, लेकिन आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप पॉजिटिव रहिए और ख़ुद पर फोकस कीजिए और अपने पर्सन को आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। तो यही रीडिंग है गाइस। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।